आज का कार्यक्रम पुष्पुनी मिलन समारोह और नववर्ष मिलन समारोह, क्योंकि पुष्पुनी का जो त्यौहार है फसल कटाई के बाद में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला दान देने का और दान लेने का भी है, इसलिए और उसमें पार्टी फंक्शन भी करने का त्यौहार है। तो मेरा जो नीलांचल सेवा समिति में पूरे बतना विधानसभा को मैं अपना एक परिवार समझता हूँ, तो परिवार के साथ ये मनाया जाने वाला त्यौहार में आज परिवार के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग सब एकत्रित हुए हैं और ये त्यौहार मना रहे हैं। आज जो है कई सदस्य यहाँ पर नीलांचल सेवा समिति में सदस्यता ग्रहण की, कितने सदस्य हैं ये विस्तार से बताएंगे। नीलांचल सेवा समिति के नर सेवा नारायण सेवा से कार्यों से प्रभावित होकर के और अभी तक कांग्रेस पार्टी के 5,000 से ज़्यादा लोगों ने नीलांचल की सदस्यता ली है और 10,000 से ज़्यादा आदिवासी भाई बहनों ने नीलांचल की सदस्यता ली है और कुल मिला के इस टाइप से 1.5 लाख से ऊपर नीलांचल सेवा समिति में आज की तारीख में सदस्य हैं। आज जो नया सदस्य जुड़े हैं वो कितने संख्या में सदस्य आपके नीलांचल सेवा समिति में जुड़े हैं ये बताएं। आज अभी 50 सदस्य अभी जुड़े हैं, बाकी उनका कहना है कि अब ये 50,000 में तब्दील होगा। बसना में अभी भागवत कथा का आयोजन होने वाला है, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम होने वाला है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बसना में भागवत कथा का आयोजन और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप बोल रहे हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड 25,000 हमारी महिला बहनें 16 जनवरी को एक साथ कलश उठाएंगी, 17 से कथा प्रारंभ होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कोरोना काल में हमारे बसना विधानसभा क्षेत्र में 500 से करीब 500 लोग खत्म हुए हैं और अन्य घटना दुर्घटना में जो भी हमारे बसना विधानसभा को मैं एक परिवार मानता हूं, हमारे परिवार के जो भी सदस्य खत्म हुए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए इस भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। लोग अपने व्यक्तिगत के लिए करवाते थे, व्यक्तिगत पूर्वजों की फोटो टांगते थे, उसके जगह हमारे पंडित पुरोहित लोग आज 3 दिन से घूम रहे हैं, अपने अपने यजमान लोगों से सारे क्षेत्र के पंडित लोग उसको डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं नाम गोत्र के साथ में, और भागवत कथा के दरमियान उन सब का नाम गोत्र लेके उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी, ताकि ये ऐसा हिंदू शास्त्रों की मान्यता है कि भागवत कथा पितरों के शांति के लिए और ये लोग और परलोक सुधरे उसके लिए कराई जाती है, तो मैं पूरे विधानसभा के सर्व समाज के लिए करवा रहा हूँ। आपको परिचय बताएं। मैं सचिन रोहिला, छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हूँ। आज जो है नीलांचल सेवा समिति में सदस्यता ली है, आप क्या कुछ देख करके क्या किस चीज को प्रभावित होकर के आप जो है देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने 4 साल हो गए, 4 सालों से विगत हम संघर्ष कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस का चुनाव हो या पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती थी हम पूरा भरपूर उसका हमारे साथियों सहित भरपूर हम अपना 100% 100 में 100 दिए। लेकिन संपत अंकल जी के जन कार्य जो जन सेवा कार्य है, चाहे वो बसना विधानसभा का एक एक गांव हो, मैं पूर्व में यूथ कांग्रेस चुनाव में पूरे विधानसभा में घुमा हूँ, पूरे विधानसभा के गांव-गांव में जाकर काम किया, हर 10 घर छोड़ के हर 2 घर छोड़ के नीलांचल सेवा समिति से प्रभावित होकर पूरा परिवार के परिवार सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, जुड़े सब लोगों का यही कहना, हम जहाँ भी जाते हैं संपत भैया से हम जुड़े हैं नीलांचल सेवा समिति के कार्य, हम प्रश्न भी पूछे कि कांग्रेस पार्टी तो आपको ये दी वो दी वो दी, फिर भी बोले कि संपत भैया जो दे रहे हो कोई नहीं दे रहा है। कितने सदस्य हैं आपके साथ में? आज मेरे साथ 50 सदस्य जो युवा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसमें 15 पदाधिकारी हैं पिथौरा ब्लॉक के, वो सहित मेरे साथी पूरे और कुछ साथी मेरे बाहर हैं जो कट्टर समर्थक साथी जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर हैं, लेकिन जो आए हैं 50 साथी के साथ हम लोगों ने आज नीलांचल सेवा समिति की सदस्यता ग्रहण की। देखिए भाई साहब, मैं नीलांचल पार्टी में प्रवेश किया हूँ नीलांचल सेवा समिति में और संपत भैया के कार्यों से प्रभावित होकर किया हूँ, संपत भैया जहाँ रहेंगे वहाँ उस पार्टी में मैं रहूँगा। बहुत बढ़िया, अभी आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे या उसमें भी जुड़े रहेंगे? अभी तक इस्तीफा नहीं दिया हूँ, लेकिन आगे जो भी होगा मैं इस्तीफा अपना इस्तीफा पत्र तैयार है मेरा, जब अभी मैं इस्तीफा जाते जाते इस्तीफा देकर
अपना नीलांचल सेवा समिति कार्य प्रारंभ करते हैं।